हाय, मेरा नाम शैली है और ये घटना बहुत पहले एक क्रिसमस की रात की है। मैं उस समय हाई स्कूल में पढ़ती थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही थी, केट, मैट और जिम, अपने स्कूल के कैफेटेरिया में। हम चारों हमेशा साथ में ही हैंग आउट करते थे। क्रिसमस आने वाला था और सब क्रिसमस डे के प्लान की बातें कर रहे थे। मेरे फ्रेंड मैट ने कहा, हे, हम सब मेरे घर पर स्लीप ओवर प्लान कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स हॉलीडे पे जा रहे हैं, हम पार्टी और ड्रिंक कर सकते हैं जितना भी चाहे। हाई स्कूल टाइम टीनेजर्स की लाइफ का बेस्ट टाइम होता है, तो हम लोग उस प्लान को सुन के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं क्रिसमस नाइट मैट के घर पे बिताऊंगी। केट अपनी नानी के साथ रहती थी, तो उसके लिए क्रिसमस पार्टी के लिए चुपके से निकलना आसान था। स्कूल के बाद हम मॉल में पार्टी के लिए शॉपिंग करने गए। मॉल क्रिसमस डेकोरेशन से भरा हुआ था। पूरे मॉल में जिंगल बेल्स लगे हुए थे और वहां पर एक आदमी सेंटा की ड्रेस में भी था जो बच्चों को कैंडीज और गिफ्ट्स दे रहा था। केट और मैंने कुछ स्नैक्स और डेकोरेशंस खरीदे और मैट के घर के लिए निकल गए। मैट का घर मॉल से कुछ दूर था। रास्ते में जिम ने हमें कॉल किया और कहा, हे, क्या तुम लोग पहुंच गए हो? मैंने कहा, नहीं, पर हम रास्ते में हैं, तुम कब तक पहुंचोगे? जिम ने एक्साइटेड होकर कहा, ओ, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, पार्टी में मिलते हैं। जब हम रोड से जा रहे थे तो हमने देखा लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मजे कर रहे थे। सड़कें पूरी सफेद बर्फ से ढकी हुई थी और ठंड बहुत ज्यादा थी, तो मैंने अपनी कार की खिड़की ऊपर चढ़ा ली। फिर 10-15 मिनट के बाद हम टाउनशिप एरिया से निकल गए और एक पुरानी मिट्टी की सड़क पर चढ़ गए। मैंने केट को बोला, थैंक गॉड हमारे पास जीपीएस है, वरना अब तक हम घूम गए होते। जब हम मैट के घर पहुंचे, हमने मैट और जिम को दरवाजे पर खड़ा देखा। पार्क से ढका घर नियॉन लाइट से सजा हुआ था और थोड़ा डरावना सा लग रहा था। हम अंदर जाकर आग के पास बैठ गए और आग सेकने लगे। मैट ने अपने पापा की कलेक्शन से हमें वाइन ऑफर की। हमने थोड़ी ड्रिंक्स पी और जो डेकोरेशंस लाए थे वो लगाने लग गए। केट बेल्स और चमकती हुई चेन्स पूरी लिविंग रूम में लगाने में बिजी हो गई। जिम ने पहले से ही सजे हुए क्रिसमस ट्री में नियॉन बॉल्स लगा दी और कहा, हे मैट, अब तुम्हारा ट्री कंप्लीट लग रहा है। हम लोग को बहुत मजा आ रहा था और सच कहूँ तो वो मेरे फ्रेंड्स के साथ पहला नाइट आउट था और मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। हम सब लोग बैठकर अपना खाना खाने लगे, जब मैट ने कहा, हे, तुम्हें क्या लगता है, क्या आत्माएं होती है? सबने खाना बंद कर दिया और उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। जिम ने चिढ़ाते हुए कहा, ओ, बस करो, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैंने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैं भी उन चीजों पर विश्वास नहीं करती जो दिखती नहीं है। और केट ने बीच में आके कहा, मैं भी अभी बिलीव नहीं करती, पर अगर मुझे दिख जाए तो शायद मैं उन पर बिलीव करना शुरू कर दूं। पर ऑफ कोर्स आज तो सारे भूत पार्टी करने में बिजी होंगे। ऐसे कहते ही सब जोर से हंसने लगे और जिम और मैं भी हंसने लगे। मैट हमारे रिएक्शन से थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया और कुछ सेकंड्स के लिए एकदम चुप हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हे, तुम कुछ ज्यादा सीरियस हो गए, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि भूत या आत्माएं कुछ नहीं होती। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि आत्माएं होती है तो? कमरे का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था और हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को नहीं पता था कि क्या बोले। फिर जिम ने कहा, फाइन, अगर तुम मुझे यकीन दिला सकते हो कि भूत सच में होते हैं, मैं तुम्हें रोज कोल्ड ड्रिंक लेके दूंगा पूरे साल के लिए। मैट अपनी सीट से उठकर बिना किसी को कुछ कहे चला गया। कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने हाथ में कैंडल और कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर आया। फिर उसने कमरे के लाइट्स कम कर दी और कार्डबोर्ड बॉक्स को बीच में ही रख दिया। फिर उसने माचिस से कैंडल जला दी और धीमी आवाज में कहा, वेल, अभी मैं एक आत्मा को पकड़ कर लाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम सब इस डब्बे के आसपास सर्कल बना के बैठ जाओ। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, गाइस, क्या हम सच में ये कर रहे हैं? ये क्रिसमस पार्टी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? केट ने मेरी तरफ देखा और कहा, ओ, कम ऑन शेली, कुछ नहीं होगा, चलो कुछ मजे करते हैं। फिर हम सब चुपचाप बैठ गए जैसे मैट ने हमें बैठने के लिए कहा था। हमें वहां सिर्फ ठंडी हवाओं की आवाज आ रही थी और कुछ नहीं। कैंडल लाइट का कमरा बहुत डरावना सा दिख रहा था। सैम ने धीमी सी आवाज में कहा, हमें किसी ऐसे को चुनना होगा जिसे हमने एटलीस्ट एक बार तो देखा है। वेल, क्या तुम्हें मेरे लास्ट बर्थडे से मेरे दूर का कजिन टॉम याद है? हम सब ने हाँ में अपना सर हिलाया और केट ने कहा, हाँ, वो शर्मीला लड़का तुम्हारे बर्थडे पर, मुझे याद है वो, पर क्या वो मर गया है? जिम ने उदासी सी आवाज में कहा, हाँ, वो किसी अजीब से बीमारी के कारण मर गया था।
मैं जानना चाहता हूँ उसे क्या हुआ था। मैं जिम के कजिन के बारे में जानकर बहुत हैरान हो गई थी। वो एक शर्मीला लड़का था और उसने जिम के बर्थडे पे हमसे कुछ ज्यादा बात भी नहीं की थी। मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी कि हम सच में वो कर रहे थे, पर मैं चुप रही क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड तो थी। हमने अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। मैट ने एक गहरी और धीमी आवाज में कहा, टॉम क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? कुछ नहीं हुआ तो मैट ने फिर से बोला, टॉम हम तुम्हें बुला रहे हैं, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? हम जानना चाहते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ बाहर ठंडी हवा की और खिड़कियों के खटखटाने की आवाज आ रही थी। मैट ने फिर से बुलाया, टॉम प्लीज हमारे पास आओ, हम तुम्हें बुला रहे हैं। पर इससे पहले वो खत्म कर पाता, कैंडल दो बार फड़फड़ाई और फिर बुझ गई। कमरे में पूरा अंधेरा हो गया था और फिर हमें मेन डोर खटखटाने की आवाज आई। केट और मैं ऑलमोस्ट चिल्ला पड़े थे। फिर मैट ने उठकर लाइट्स ऑन कर दी। जिम ने हैरान होकर बोला, क्या तुम लोगों को सुनाई दिया या सिर्फ मुझे ही? हम सब ने कहा कि हम सब ने भी वो आवाज सुनी। दरवाजा फिर से खटका और इस बार हमें किसी की आवाज भी आई। जिम दरवाजा खोलो भाई, बाहर बहुत ठंड है। हम सब लोग बहुत डर गए क्योंकि हम उस समय किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिम हम सबसे ज्यादा हैरान लग रहा था और वो दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हम सबको तो जैसे सांप सूंघ गया। वो जिम का दूर का कजिन टॉम था। जिम ने हाँफते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टॉम ने हमें अजीब सी स्माइल दी और कहा, मैं तुम्हारे घर तुम्हें क्रिसमस पे मिलने आया था, पर तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम मैट के यहाँ रुके हुए हो, तो मैं यहाँ आ गया। मेरी क्रिसमस दोस्तों। केट बहुत गुस्सा हो गई और उसने तेज आवाज में कहा, बदतमीज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने हमसे इतना गंदा मजाक किया। आई होप तुम नरक में जाओ। मैट और मैंने भी जिम को टॉम की डेथ का झूठ बोलने के लिए बहुत बेइज्जत किया। जिम पागलों की तरह हंसने लगा और कहा, सॉरी दोस्तों, पर ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, देखा? और फिर हम सब ने बैठकर एक और ड्रिंक बनाया। टॉम हमारे साथ बैठा और उसने जिम के सिली से प्रैंक के बारे में बताया। वो हंसने लगा और उसने कुछ ऐसा कहा जो थोड़ा अजीब था। टॉम ने गहरी आवाज में कहा, वेल, तुम्हें शायद पता भी ना चले कि तुम भूत के सामने हो। मैं भी तुम लोगों की तरह बिलीव नहीं करता था, पर अब करता हूँ। मेरे दूसरे फ्रेंड्स ने उसने जो कहा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सब पूरी घटना पर हंसने लगे। और मैं टॉम के आने पर बहुत ही ज्यादा अचंभित थी। मैंने उसे सर से पैर तक देखा। उसने फुल स्लीव्स की टी शर्ट और स्वेट पैंट्स पहने हुए थे। बाहर इतनी ठंड है, वो सिर्फ ये कपड़े पहन के आ कैसे गया? और मुझे किसी गाड़ी की आवाज भी नहीं आई। जिम का घर वहां से करीब 20 मिनट दूर था, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो टी शर्ट और स्वेट पैंट्स पहन के यहाँ तक पैदल आ जाए। हम सब जानते थे कि टॉम एक बहुत शर्मीला लड़का था, पर जिस तरह वो सबको देख कर स्माइल कर रहा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसका बर्ताव बिल्कुल अलग था और सिर्फ उसके कपड़े ही नहीं, उसका चेहरा भी बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और उसके नीचे काले गड्ढे भी पड़े थे। वो मुझे कुछ बीमार दिख रहा था। फिर एकदम हमारी आंखें मिली और उसने मुझे डरावनी तरह से देखकर कहा, लगता है तुम सोचती बहुत हो। मैं उसे इस तरह बात करते हुए देख हैरान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, तो मैं उठकर किचन में हाथ धोने के लिए चली आई। केट मेरे साथ आ गई। केट और मैं बात ही कर रहे थे कि टॉम को यहाँ एकदम देखना कितना अजीब है। और फिर तभी मैट और जिम किचन में और वाइन लेने आ गए। क्या हुआ, तुम और केट बहुत घबराई हुई लग रही हो? केट और मैंने जिम और मैट को बताना शुरू किया कि ये कैसा घटिया कोइंसिडेंस है कि अचानक जिम का फोन बजा। उसके हाथों में बियर की बोतल थी, तो उसने मैट को फोन स्पीकर पर डालने को कहा। हमने जिम की मम्मी को फोन पर रोते हुए सुना। जिम घबरा गया और उसने कहा, क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? जिम के मम्मी ने सिसकते हुए कहा, तुम्हारे कजिन टॉम की डेथ हो गई है। उन्होंने बताया टॉम अपने रूम में चुपचाप सो रहा था, जब उन्हें उसके दम घुटने की आवाज आई। वो कमरे में आई और उन्होंने उसे जमीन पर मरा पड़ा देखा। उसकी आंखें बाहर आई हुई थी, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो। प्लीज घर आ जाओ, हमें उनके घर जाना है। जिम की मम्मी और कुछ नहीं बोल पाई और फोन काट दिया। हम लोग ये खबर सुनकर बहुत घबरा गए थे। अगर टॉम मर चुका है तो मैट के लिविंग रूम में अभी कौन बैठा है? हमें माथे पे पसीना आने लगा जैसे ही हम लिविंग रूम की तरफ मुड़े। किचन और लिविंग रूम के बीच एक खाली जगह है और फिर जो हमने देखा उसने हमें खौफ में डाल दिया। टॉम अभी भी लिविंग रूम में था और सीधा हम चारों को घूर रहा था। उसकी आंखें बाहर आ रही थी।
वो डरावनी तरह से हंसा और एक भयानक आवाज में बोला, तुम सबने मुझे बुलाया और देखो मैं चला आ गया। मेरी क्रिसमस दोस्तों। और वो बुरी तरह से हंसने लगा। केट चिल्लाई और वही जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। जिम रोया, हे भगवान। मैट और मैं बस टॉम को घूरते रहे। हम कुछ नहीं कह पाए, हमें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टॉम आगे के दरवाजे की तरफ जाने लगा और हमारी तरफ एक बार फिर मुड़ा। उसने उसी डरावनी आवाज में बोला, आई होप अब तुम लोग यकीन करते हो कि भूत सच में होते हैं। और हमारी आंखों के सामने ही वो ओझल हो गया। हम सब जमीन पर बिखर कर सोचने लगे कि कैसे हमारे घटिया मजाक ने किसी के बच्चे की जान ले ली। उस क्रिसमस की रात के बाद जिम ने बहुत टाइम थेरेपी में गुजारा। केट और मैंने उस घटना के बारे में कभी भी बात नहीं की। हमें नहीं पता मैट कहाँ है, क्योंकि उस क्रिसमस के बाद वो किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। पर एक बात सच्ची है कि मैं भूतों में बिल्कुल विश्वास रखती हूँ।